हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और यूपी गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, और एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज से आ भी रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम पढ़ेंगे एवरेज को और लगभग 7 या 8 वीडियो में एवरेज को ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम है एवरेज, तो हेडिंग लगा लो एवरेज। हिंदी में बोले तो औसत। तो एवरेज क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसे एक डेफिनेशन के थ्रू जानेंगे कि एवरेज किसे कहते हैं, एवरेज का क्या यूज है। तो जैसे मान लो आपके घर में एक नौकर आया और आते ही वो 8 रोटी खा गया। इतनी बात समझ पा रहे हो? दिख रहा है सभी को? ठीक है, मान लो आपके घर में एक नौकर आया, आते ही 8 रोटी खा गया, अगले दिन उसने 7 रोटी खाई और उससे अगले दिन वो 5 रोटी खाता है, ठीक। उससे अगले दिन वो 6 रोटी खा गया और 4 रोटी। अगर आपको मान लो इन 5 दिनों का राशन लेके आना हो या फिर 1 महीने का राशन लेके आना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 5 दिन में उसने कितनी रोटियां खाई। 8, 7, 15, 5, 20 और ये 10, 30, कुल मिला के उसने 5 दिन में कितनी रोटियां खाई? 30 रोटी। 5 दिन में 30 खाएगा तो एक दिन में कितना खाएगा? 6 खाएगा। 6 उसकी रोटियों का एवरेज हो गया। मतलब एवरेज कुछ नहीं, एवरेज आंकड़ों को बराबर करने का तरीका होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरे महीने भर का राशन उस नौकर के हिसाब से भी ला सकते हैं। अगर इस बात से ना समझ पाए हो तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो 3 लोग हैं, 3 लोग एक घर में रहते हैं और तीनों को रोटियां पकानी है और तीनों को ही रोटियां खानी है। तो मान लो पहला जो व्यक्ति है उसने 15 मिनट रोटियों को पकाया और 15 मिनट में उसने 10 रोटियां पकाई। दूसरा है, उसने 15 मिनट में मान लो 25 रोटियां पकाई। और तीसरा है, तीसरे ने 15 मिनट में कुल 7 रोटियां पकाई, ठीक। तो तीनों मिला के तीनों ने कितनी रोटियां पकाई? 10 और 25, ये हो गया 35, 35 और 7 हुआ 42, और 42 को 3 भागों में बांट दो तो कुल मिला के कितनी कितनी? 14, 14 रोटियां जो हैं तीनों व्यक्ति पर पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एवरेज का यूज़ है। एवरेज कुछ नहीं है, एवरेज आंकड़ों को बराबर करने का एक तरीका है। सभी आंकड़े बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तीनों ने अलग अलग टाइम में अलग सॉरी एक ही टाइम में अलग अलग रोटियां जो हैं पकाई अलग अलग आंकड़ों की, लेकिन उनको बराबर कर दिया। किसने कर दिया? एवरेज ने। एवरेज निकाल के हम ये पता कर सकते हैं कि तीनों पे बराबर कितना कितना पड़ेगा, ठीक है। ये एवरेज का यूज़ है। तो इसके लिए एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं। जैसे अभी हमने ये ऑब्जर्वेशन की और इन ऑब्जर्वेशन का क्या किया? सम किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और इन ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ऑब्जर्वेशन की संख्या से, मतलब प्रेक्षणों की संख्या से। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे एवरेज का फॉर्मूला हो गया। इसे आप पहले से जानते भी होंगे, ठीक है। इसी से हम एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे भी हम देख लेते हैं जल्दी से। एवरेज पता करने के लिए हमें कुछ सम पता होने चाहिए, जैसे 1, 2, 3, ये अगर एन तक इसे हम जोड़ेंगे तो इनका सम क्या आएगा? इनका सम होता है एन एन प्लस 1/2। इसी प्रकार से अगर हम इनके वर्ग का सम निकालें तो वर्ग का सम कितना होता है? 1/6 एन एन प्लस 1 और 2n प्लस 1। इसी प्रकार से कुछ नंबरों के सम हमें पता होने चाहिए, आपको पता भी होंगे उम्मीद करता हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इन सम का मैं अभी यहाँ पर यूज करने वाला हूँ और इसे पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। इन सम को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इन्हीं सम की अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि 2013 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ऐसा था, फाइंड द एवरेज 1, 2, 3, 3, 7, 7, 7।
इनका हमें एवरेज निकालना था। ऐसा क्वेश्चन था कि एक एक बार था, दो दो बार था, तीन तीन बार था और अंत में सात सात बार था। इनका एवरेज हमें निकालना है। ये 2013 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर मैं इनका सब एवरेज निकालूं, तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका ऑब्जर्वेशन करूंगा। ठीक है, तो जैसे मान लो एक एक बार था, दो दो बार था, इस पे मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ या ना लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तीन तीन बार था और इसी प्रकार से सात सात बार था, इन्हें मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दो दो बार था, दो दो नहीं चार हो गया, तीन तीन बार था, तीन तीन नौ हो गया, ऐसा कह सकते हैं। अब हम एवरेज निकालने के लिए नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर कितने होगा, एक एक बार था, दो दो बार, तीन तीन बार, इसी प्रकार से सात सात बार था। हमने अभी अभी इनका सम देखा कि ये स्क्वायर का सम है, मैं यहाँ स्क्वायर अब लगा दे रहा हूँ। तो स्क्वायर का सम हमने देखा क्या आया था, 1/6 एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, और अपॉन में ये कैसा आया हमारा, एक से लेके एन तक का सम। मान लेते हैं एन तक का यहाँ सात लिखा हुआ है, तो मैंने इनका सम बताया एन एन प्लस वन बाई टू। अगर मैं इसे देखूँ तो इससे ये कट गया और इससे ये तीन बार में जाएगा, कुल मिला के कितना बचा, टू एन प्लस वन बाई थ्री, यही बचेगा हमारे पास। एन हमें पता है एन कितना है, सात। तो अगर मैं यहाँ सात रखूँगा तो सात दूनी चौदह और एक पंद्रह, 15/3, और हमारा 5 एवरेज निकल के आ जाएगा। कल को अगर ऐसा सवाल आता है तो हम लोगों को इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमें पता होना चाहिए। जब भी ऐसा सवाल आए, इसमें एक एक बार था, दो दो बार था, तीन तीन बार था, या सात सात बार था, या कोई और संख्या भी हो सकती है, तो वहाँ पर हमें सीधे 2n+1/3 से हम इस सवाल को आगे कर पाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो इतनी सी बात को। चलो एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे अगला हमारा प्रश्न ये है, फाइंड द एवरेज। इसमें एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है और अंत में दस दस बार है। तो हमें क्या करना होगा, इसका एवरेज बताना है। तो एवरेज अगर आपको ये पता होगा जो मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व किया, हमें पता है 2n+1/3 से इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एन कितना है, 10 है यहाँ पर, तो ये बना 10 × 2 = 20 और एक 21/3, और ये 7 हमारा एवरेज हो गया। कल को अगर ऐसा भविष्य में कोई सवाल आता है तो आप इजीली इस सवाल को कर पाओगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे, यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले संख्याओं का एवरेज निकालना, कि एवरेज हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्हें मैं रब कर रहा हूँ और हम जानेंगे कि एवरेज कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर एक से अधिक संख्याएं दे रखी होती हैं। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 और 25, इनका एवरेज बताइए। तो एवरेज कैसे निकालोगे, ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ उसका बहुत बड़ा रीज़न है, पहले इसे आसानी से समझ लो। आप लोग यही तो करोगे, 20+25/2, भाई दो संख्या है, दो से डिवाइड कर दो, कितना बचा, 45/2, ये 22.5 आंसर। ठीक, यही हो जाएगा। लेकिन आगे से हमें एवरेज ऐसे नहीं निकालना है, एवरेज हमें कैसे निकालना है वो देखोगे आप। जैसे मान लो ये दो आंकड़े हैं हमारे पास, इन दो आंकड़ों में से जो भी आपका मन करे वो आप एवरेज मान सकते हैं। मान लो मैं इनका एवरेज मान ले रहा हूँ 20, 20 मैंने एवरेज मान लिया। अब 20 एवरेज मान के हम लोग क्या करेंगे, ये 20 से कितना ज़्यादा है, कुल मिला के 0 ज़्यादा है। ठीक है, ये 20 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ऐसा मानेंगे क्योंकि हमने 20 एवरेज मान लिया है। अब हम देखेंगे कुल मिला के इन दोनों में हमने एवरेज कितना देखा, एवरेज 5 ज़्यादा है। कितनी संख्याओं पर, दो संख्याओं पर, एक संख्या ये थी, एक संख्या ये थी। 2 से 5 को डिवाइड करोगे, 2.5 आ गया। कुल मिला के एवरेज कितना ज़्यादा हो गया, 2.5 ज़्यादा हो गया। तो हम इस 20 में जो हमने माना था 2.5 एवरेज को बढ़ा देंगे, तो कुल मिला के 22.5 हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आगे से हम एवरेज इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे मान लो 31, 29
और 32, इन तीन संख्याओं का हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज ऐसे नहीं निकालना है हमें एवरेज का तरीका दूसरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या भी हो सकती है, अभी छोटी संख्याओं को लेकर हम एवरेज निकाल रहे हैं। जैसे मान लो आपका इनमें से मन है, हम अमूमन ऐसा एवरेज निकालते हैं जो इनके नियरेस्ट हो, ऐसी संख्या मान लेते हैं। जैसे मान लो मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पर हमने 30 एवरेज मान लिया, यहाँ मैं 30 लिख देता हूँ, 30 एवरेज मान लिया। अब 30 से ये कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। ये 30 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1 हो गया। 30 से 2 ज़्यादा है, तो 2 हो गया। अगर हम तीनों में देखें तो 1 से ये हट गया, कुल मिला के एवरेज कितना ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा हो गया। 2 ज़्यादा एवरेज कितने पर हुआ, 3 संख्याओं पर, तो 3 से इसे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर इसे डिवाइड करोगे तो 0.66 आता रहेगा। तो 0.66 इस एवरेज में जोड़ देना है, जब इसमें एवरेज में जोड़ दोगे आप तो क्या हो जाएगा, 30.66 ये हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। ना समझ पा रहे हो तो आगे एक आध एग्जाम्पल से और भी आपको समझा देंगे, लेकिन ट्राई करो। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, 625 और 675, इनका एवरेज निकालिए। तो आपको कैसे निकालना होगा, इनके नियरेस्ट नंबर जो आपको पसंद लगे, जो आपकी इच्छा हो, वो आप एवरेज मान सकते हो, आंसर आपका बिल्कुल राइट आएगा। जैसे मान लो इन दोनों में मुझे अच्छा लग रहा है भाई, मैं 650 एवरेज मान लेता हूँ, 650 मान लिया। 650 में हमने ये देखा ये कितना कम है, 625, और ये कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो कुल मिला के कितना ज़्यादा है, 0 ज़्यादा। तो हम लोगों को क्या करना, 0 ज़्यादा नहीं है, 0 इन दोनों को कट गया, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। तो कुल मिला के हमारा अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 650 ही हमारा एवरेज आ जाएगा। इस सवाल को हम ऐसे भी कर पाते, जैसे मान लो मेरा मन था मैं इसमें दूसरी संख्या मान लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने मान लिया अब की बार 600 एवरेज मान लिया, 600 मान लिया, तो ये कितना ज़्यादा हो गया, ये 25 ज़्यादा हो गया, ये कितना ज़्यादा हो गया, ये 75 ज़्यादा हो गया। कुल मिला के दोनों पे देखें तो कितना ज़्यादा हो गया, 100 ज़्यादा हो गया। अब 100 कितने पे ज़्यादा है, 2 पे ज़्यादा है, तो 2 से डिवाइड करो, कुल मिला के कितना आ गया, 50 ज़्यादा हो गया। अब इसमें जब आप 50 को ऐड करोगे तो कुल मिला के कितना आया, 650 एवरेज आ गया। आप जो मानो उस संख्या को मानकर आप एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके आगे हम बहुत ही ज़्यादा सुंदर से सवाल करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल जो हैं एवरेज के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन सवालों को करेंगे। तो चलिए इसे मिटाते हैं और करते हैं अगला बहुत ही सुंदर सा सवाल। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, एक चीज़ और जाननी होगी, चाहे हेडिंग लगा लो आप। जैसे आल कंजुगेटिव नंबर, आल कंजुगेटिव, इवन और ऑड नंबर, और ए सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस, बोले तो एपी। इनको मैं बता दे रहा हूं कि सभी कंजुगेटिव का मतलब सभी लगातार संख्याएं, कंजुगेटिव इवन और ऑड नंबर का मतलब सभी लगातार सम और विषम संख्याएं, ए सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस मतलब ऐसी सीरीज जिनमें कॉमन डिफरेंस हो, जैसे 5, 10, 15, 20 या फिर 8, 16, 24, इस प्रकार की सीरीज को हम एपी की सीरीज बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, मैं इनका एवरेज निकालता हूँ तो हम देखेंगे 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 और 10 कितना हुआ, 20। तो 20 को अगर मैं, ये कितने आंकड़े हैं, 5, तो 5 से डिवाइड करूँगा, कुल मिला के मेरे पास एवरेज कितना आएगा, 4, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हो। हम अगला देखते हैं, 10, 12, 14, 16, मैं इनका एवरेज निकाल के देखता हूँ, 16 और 14 कितना बना हमारा, ये 30, 30 और 40 और ये 52,
52 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 13 एवरेज आ जाएगा, ठीक है। 11, 13, 15, 17 और 19, मैं इन्हें देखता हूँ ज़रा कितना बना। 1911 बना हमारे पास 30, 30 और ये 17 और 13, ये भी 30, 30, 60, 60 और 15, 75, 75 को 5 से डिवाइड किया मैंने तो कितना एवरेज आ जाएगा, 15। तो हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे या फिर एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो 5, 10, 15, 20, 25, मैं इन्हें जोड़ूंगा कुल मिला के कितना हो गया, 75, और 75 के बाद जब इनका एवरेज निकालोगे 5 से डिवाइड करके तो कितना आ जाएगा, 15। तो हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे मान लो ये लगातार संख्याएं थीं तो लगातार संख्याओं में एवरेज हमारा हमेशा कौन सा आ रहा था, बीच वाली संख्या। ये 5 संख्याएं हैं तो 5 संख्या में एवरेज कौन सा आ रहा था, बीच वाली संख्या। इतनी बात समझ पा रहे हो, बहुत ही आसानी से हमारा एवरेज निकल के आ गया। ऐसे हम देखेंगे ये 4 संख्याएं थीं, 4 संख्याओं में बीच वाली संख्या पूछो तो बीच वाली संख्या इन दोनों के बीच में रही होगी, तो इन दोनों के बीच में कौन सी होगी भाई, 12, 14 के बीच में 13 संख्या होगी, क्योंकि सभी संख्याएं कैसी हैं, लगातार सम संख्याएं। मैं इनमें देखता हूँ तो इनमें भी ये जो एवरेज आ रहा था वो हमारी बीच वाली संख्या आ रही थी, और इनमें भी हमारी एवरेज बीच वाली संख्या आ रही थी। तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर लगातार संख्याएं हों, लगातार सम संख्याएं हों, लगातार विषम संख्याएं हों, या कॉमन डिफरेंस वाली कोई सीरीज हो, तो उनमें एवरेज हमारा हमेशा बीच वाली संख्या आता है। हमने इस चीज़ से एक चीज़ नोटिस की कि जो एवरेज है वो कौन सा आ रहा है, मिडिल नंबर, MIDDLE, मिडिल नंबर, पहली चीज़ को हमने जाना। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अगर मैं पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकालता हूँ, 2 और 6 कितना बना हमारा, 8, 8 को 2 से डिवाइड करूँगा एवरेज कितना आएगा, 4। यहाँ देखो 10 और 16, 26 हुआ, 26 को अगर 2 से डिवाइड करूँ कितना एवरेज आएगा, 13। यहाँ पे भी देखो 11, 19, 30, 30 को 2 से डिवाइड किया, 15। यहाँ 25 और 5, 30, 30 को डिवाइड करूँ कितना एवरेज आ गया, 15। तो हमने ये देखा अगर हम पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकालते हैं तब भी वही आ रहा था, ठीक है। तो अगर लगातार संख्याएं हों, लगातार सम संख्याएं हों, या लगातार विषम संख्याएं हों, तो एवरेज जो है पहली और आखिरी संख्या का एवरेज आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर a+ly2, जहाँ a पहली संख्या है, l अंतिम संख्या है, ठीक है। इतनी बात हमने यहाँ से ऑब्जर्व की। तो इनसे हम देखते हैं कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा सवाल, ठीक है। सवाल ये है इफ द एवरेज ऑफ 7 कंजुगेटिव ऑड नंबर इज 45, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये सवाल था, यदि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 45 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। तो संख्याएं 7 हैं, मान लो एक संख्या यहाँ होगी, 3 संख्याएं इसके इधर रही होंगी और 3 ही संख्याएं इसके इधर रही होंगी। अब सभी विषम संख्याएं हैं तो एवरेज जाहिर सी बात है बीच वाली संख्या होगी, एवरेज कितना है 45, तो ये बीच वाली संख्या होगी। 3 इधर थी, 1, 2, 3। अब जब बीच वाली 45 संख्याएं कैसी, सभी विषम हैं, तो 45, ये 47, ये 49 और ये 51, 51 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 51 आ गई। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कि माना एक संख्या x है, अगली संख्या x+2 x+4 है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। इजीली हम अपने क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने जाना था सभी लगातार संख्याएँ हों, सम या विषम संख्याएँ हों सभी लगातार, या फिर AP में हो, कॉमन डिफरेंस में हो, तो उनकी जो एवरेज आता है वो मिडिल संख्या आती है।
अब कभी ऐसा भी हो जाता है, मान लो संख्या बहुत सारी पूछ लें आप, इस प्रकार से ये गोले वोले बना के मान लो सवाल को नहीं कर पा रहे हो, बहुत बड़ी संख्या दे देते हैं, तो वो सवाल भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अगला सवाल एक ले लेते हैं, दूसरा, इसे मिटाते हैं। इफ द एवरेज ऑफ सिक्स कंजुगेटिव इवन नंबर इज 83, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये सवाल है, यदि छह लगातार सम संख्याओं का औसत 83 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ क्या होगी। तो छह संख्याएं, मान लो मैं तीन संख्या वो छह संख्याएं बना ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका एवरेज 83 है। तो एवरेज, अब ये सभी कैसी हैं, लगातार सम संख्या हैं, तो एवरेज बीच वाली संख्या रही होगी, और बीच वाली संख्या कहाँ आएगी, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर। अब एवरेज कितना है, 83, तो एवरेज यहाँ रहा होगा 83। सभी संख्याएं कैसी है, सम संख्या है, तो ये 82 होगी और ये 84, ठीक है। हमें छोटी संख्या पूछ रहा है तो इधर की ओर आ जाते हैं, ये 80 हो गया और ये 78, और 78 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस बात को बहुत अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, ठीक है। और बड़े बड़े सवाल भी इसमें अभी हम देखेंगे कि अगर मान लो ज़्यादा संख्याएं आती हैं तो क्या करना है, ठीक है। बस देखते रहिए ध्यान से, अगला सवाल हम लेते हैं एक और। अगला एक बहुत खूबसूरत सा सवाल है, सवाल ये है, इफ द एवरेज ऑफ 9 कंजुगेटिव 9 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 102, फाइंड द डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ये सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कि यदि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 हो तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताइए, ठीक है। देख पा रहे हो सभी सवाल को, तो कैसे बताओगे, उससे पहले आप एक बात जानोगे, अगर मैं आपसे कह दूं दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं के बीच में गैप कितने बने, तो आप कहोगे एक गैप बना। संख्याएं तीन थी तो गैप कितने होंगे, दो। संख्याएं चार थी तो उस गैप कितने होंगे, तीन होंगे। हमने ये नोटिस किया कि संख्याएं अगर ज़्यादा है तो गैप उनसे कम होता है, ऐसे मान लो संख्या चार है तो गैप कितने रहे होंगे, तीन रहे होंगे। इतनी बात समझ पा रहे होंगे सभी। अब इनने कह रखा है संख्याएं हैं नौ, नौ लगातार सम संख्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर कितने हैं संख्याओं के, नौ। और गैप कितने हैं, भाई गैप एक कम होता है तो गैप होंगे आठ। अब आप ये बताइए सभी संख्याएं कैसी सम है, तो मैं पूछूं इन दोनों यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिफरेंस, तो आप कहोगे दो का डिफरेंस है, मतलब एक गैप कितने के बराबर हो गया, दो के बराबर हो गया। तो हम देखेंगे कि एक गैप जो है हमारा वो दो के बराबर है, तो हमारे पास गैप कितने हैं आठ, तो आठ गैप कितने के बराबर हो जाएंगे, आठ दोनी 16, यानी 16 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहली और आखिरी संख्या का अंतर अगर हमें निकालना है तो इस प्रकार से गैप से हम आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। हमें ये भी देखना है, अगर मान लो सभी लगातार सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो तो एक गैप दो के बराबर होता है, लेकिन यदि लगातार संख्याएं दे रखी हो तो एक गैप किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। इतनी बात आपको नोटिस करनी है, हर बात सीखनी है बहुत अच्छे से, बेहतर ढंग से, ठीक है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं,
उस क्वेश्चन में आप जानोगे यदि संख्याएं ज़्यादा हैं तो हम कैसे बड़ी संख्या निकालते हैं या कैसे छोटी संख्या निकालते हैं, जो अभी इससे मैंने पिछला सवाल कराया। चलिए ऐसा सवाल भी कर लेते हैं। इफ द एवरेज ऑफ 41 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 43, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि 41 लगातार सम संख्याओं का औसत 43 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब ये 41 संख्या, इनमें आप 41 संख्या को ना तो गोली बना के कर सकते हो, तो ऐसे में हमें क्या करना है देखोगे। जैसे मान लो ये बीच वाली संख्या ले ली मैंने, इससे 20 संख्याएं इधर रही होंगी और 20 संख्याएं इधर रही होंगी, 20 20, 40 और एक कितनी बनी 41। सभी लगातार कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, तो एवरेज जो होगा इसके मिडिल वाली संख्या होगी, 43 एवरेज है, 43 में बीच में लिख दे रहा हूँ। अब आप ये देखोगे अगर मैं इतना भाग हटा दूँ तो हटाने के बाद यहाँ पर टोटल कितनी संख्या बनती है, क्योंकि एक संख्या हमारी लास्ट वाली भी होगी, तो टोटल 20 की जगह कितनी संख्याएं हो गई इस साइड में, 21 संख्याएं हो गई। इतनी बात आसानी से समझ पा रहे हैं। अब हम देखेंगे संख्याएं कितनी हैं, 21, मतलब नंबर कितने हो गए हमारे पास 21, ठीक है। तो गैप कितने होंगे, आप कहोगे 20। एक गैप कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर, क्योंकि सभी लगातार सम संख्याएं, तो 20 गैप कितने के बराबर होंगे, 40 के। अभी हमने ये देखा यहाँ से यहाँ तक जो गैप हैं वो कितने निकल आए, 40। अब 40 ये क्या आया, अभी हमने इससे पिछले सवाल में सीखा था, ये 40 आया पहली और अंतिम संख्या का अंतर, ठीक है। ये 40 जो है वो पहली और लास्ट संख्या का कैसा है, अंतर है, ठीक है। अब आप मुझे एक बार बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ मान लो इसका और इसका अंतर एक है, तो मैं कहूँ जब ये 43 है तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे जब अंतर एक है ये 43 है तो ये संख्या हमारी 44 होगी। ये 44 बना कैसे, ये 44 यहाँ पर इसलिए बना क्योंकि मैंने इस एक को इसमें जोड़ा, तभी तो 44 बना। इस बात को बहुत बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। ऐसे हमने क्या देखा, जब इन दोनों में अंतर 40 का आ गया, तो 40 इसमें अगर आप जोड़ दोगे तो जाहिर सी बात हमारी अंतिम संख्या प्राप्त हो जानी है, तो 43 और 40 कितना बना हमारा 83, और 83 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ज़्यादा संख्याएं दे रखी हैं तो ज़्यादा संख्या को भी हम गैप के द्वारा मैनेज कर सकते हैं और आसानी से उनका एवरेज या जो भी पूछे लार्जेस्ट नंबर या इवन नंबर और नंबर उसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए अगला एक बहुत खूबसूरत सा सवाल करते हैं और जानते हैं कि और किस किस प्रकार के सवाल जो हैं वो हमारे आ रहे हैं एवरेज में। चलिए इसे मिटाते हैं पहले। ठंड का टाइम है तो ये मार्कर भी इस पे जम जाता है। एक और खूबसूरत सा सवाल, क्वेश्चन ये है, इफ द एवरेज ऑफ 9 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 109, फाइंड द सम
फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ये हमारा सवाल ये कह रहा है कि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत हमारा 109 है, तो पहली और आखिरी संख्या का योग बताओ। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि संख्याएं हमारी सम है विषम है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने एक क्वेश्चन अभी हमने देखा जब हमने आपको एनालिसिस कराया था, उसमें हमने बताया कि इनका एवरेज मिडिल नंबर होता है या पहली आखिरी संख्या का योग होता है या पहली आखिरी संख्या का सॉरी एवरेज होता है। तो हम यही देखेंगे कि एवरेज किसके बराबर हमने देखा था, एवरेज बताया था पहली और आखिरी संख्या का एवरेज ही एवरेज होगा, ठीक है। तो एवरेज कितना दे रखा है यहाँ पर 109, और हमें पूछ क्या रहा है पहली और आखिरी संख्या का योग, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पहली और आखिरी संख्या का योग कितना हो गया 109 दोनी 218 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आगे कभी भी ऐसा सवाल आता है और आपसे पूछता है पहली और अंतिम संख्या का योग याद करो, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देनी, कुल मिला के कितना हो गया 218। आगे कभी भी ऐसा सवाल आए तो हमें ऐसा कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी, इसी मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाए, ठीक है। समझ पा रहे हो इसी बात को? तो आज का ये टॉपिक जो है इतने क्वेश्चन के साथ ही हम समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि इस तरीके से ही वो तरीका जो है सारे एवरेज पर लगेगा, हर एवरेज का सवाल आप उसी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, जय।